टमाटर डाले, ये ऐसे ही कच्चा डालते हैं और इसी में पकाते हैं तेल में। आवाज बहुत बढ़िया है। अच्छा ये हो गया रेडी। और टमाटर दोनों डालेंगे, फिर नमक, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, ये और ये हरी धनिया, हरी मिर्च, प्याज भी डाल दो, सरसों तेल, ये डाले भैया, गरम मसाला, ये फ्राई होने के बाद इसको ऐसे करते हैं। हाँ ये बढ़िया मैश कर लेंगे अच्छे से। टाइम तक कैसे करते हैं भैया पूरे अच्छे से मैश? ये दो चार मिनट में हो जाता है, पाँच मिनट इतना आप अच्छा मैश करते हैं। ये हो गया रेडी, ये रेडी हो गया, ये हमारे चोखा रेडी हो, ये हमारा सरसों इडली का जो मसाला है, प्याज, सरसों का तेल, अजवाइन, लहसुन अदरक जिसे पड़ा होने के लिए, और ये खुद भुंजा हुआ चना का मिक्स बनाया हुआ पाउडर, और ये रहा लिट्टी एक छोटा सा लेंगे बढ़िया। ये कब बना लेते, रात को बना लेते, सुबह बनाते हैं? अभी बना हुआ, तुरंत बनाते हैं, अपने यहाँ पूरा माल हमेशा ताज़ा रहता है, कभी भी वहाँ बचता ही नहीं। वहाँ ऐसे काटते हैं, काट के बढ़िया पूरा घी में डाल देंगे। ये हो गया रेडी हमारा। नहीं नहीं दो ये बता दीजिए क्या क्या डाल रहे हैं एक बार। बैगन चोखा है। अच्छा आलू टिक्का, सॉरी ये बैगन चोखा जो अभी बनाए थे। हाँ ये टमाटर चटनी, ये हरी चटनी और एक घीमा, ये हो गया एकदम रेडी अच्छे से घी में डाल के। हाँ ये रेडी हो गया।